नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर विवाद किसी से छिपा नहीं है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जिसकी वजह से सीमा पर तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। दूसरी तरफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान किस कदर जहर उगलता है, इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। क्या भविष्य में कभी यह विवाद खत्म होगा या फिर इसका परिणाम कुछ और होने वाला है? आज इसकी चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने जो संकेत दिए हैं वो भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है। जी हाँ, दरअसल नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर गुरुवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत अभी जो कुछ भी देख रहा है वो सिर्फ जंग का ट्रेलर है। विरोधी अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं और भारत को बेहद सतर्क रहना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अभी भविष्य के संघर्षों की झलकियां देख रहा है। विरोधी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। एक ऑनलाइन सेमिनार को संबोधित करते हुए नरवणे ने कहा, भारत अलग तरह की कठिन और बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। MM नरवणे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर घटनाक्रम ने पूरी तरह से तैयार और सक्षम बलों की जरूरत को रेखांकित किया है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना सेना प्रमुख ने कहा कि परमाणु सक्षम पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद, साथ ही राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वार ने सुरक्षा तंत्र एवं संसाधनों के सामने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। नरवणे ने साफ कहा कि फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो भविष्य के संघर्षों की झलकियां हैं। आसपास देखेंगे तो आज की वास्तविकता का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल नहीं है। नरवणे यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जून 2020 में हुई हिंसक सैन्य झड़प की तरफ इशारा करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, 2020 की घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि किस तरह से हर क्षेत्र में हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। नरवणे ने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ देश वैश्विक स्तर पर मान्य मानकों और नियमों को चुनौती दे रहे हैं। नेटवर्क और साइबर स्पेस में हमें इसके सबूत भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नरवणे ने इस बात का भी भरोसा जताया है कि भारतीय जवान अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। नरवणे ने कहा, हमें आत्मनिर्भर आर्मी तैयार करनी है जो सिर्फ लड़ाई के दौरान स्वदेशी हथियारों से लैस हो, बल्कि उसकी रणनीति भी स्वदेशी हो। आपको बता दें, नरवणे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि हम पाकिस्तान और चीन को एक ही फ्रंट पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसी पर भारत की तैयारियों को लेकर आर्मी चीफ ने जवाब दिया। आपका इस खबर पर वैसे क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।